ना शाखों ने जगा दी, ना हवाओं ने बख्शा। वो पत्ता आवारा नहीं बनता तो क्या करता। सपने ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि उनके सच होने से पहले उनको देखना भी जरूरी है। आई हैड बीन ड्रीमिंग, थिंकिंग एंड होपिंग टू ट्रैवल टू कश्मीर इन एवरी सीजन। एंड वाइल ऑल द डिफरेंट सीजन इन कश्मीर ब्रिंग देयर ओन चार्म, ऑटम कम्स विद अ वेरी डिस्टिंक्ट फ्लेवर। When the leaves start turning from green to a golden hue, it marks the onset of a period where the whole valley is draped in the carpet of red, orange and gold. ऑटम के सीजन को लोकल लैंग्वेज में हरुद भी कहा जाता है। अ शॉर्ट सीजन दैट लास्ट फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर एंड व्हेन एवरी शेड ऑफ रेड एंड येलो कैन बी सीन अराउंड यू। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द होप एंड कंफर्ट वन फाइंड्स व्हेन थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट, बट इट ऑल्सो अश्योर्स दैट अ ब्यूटिफुल फॉल इज नेसेसरी फॉर अ न्यू बिगनिंग। University of Kashmir is a well-known fall attraction. Naseem Bagh, jiska literal meaning hai Garden of Morning Breeze, is the most mesmerizing area of university, especially in the autumn. One of the most tranquil places, nothing can match the beauty of this picture-perfect garden with its hundreds of chinar trees. With the majestic Zabarwan Hills in the backdrop and pristine lakes and beautiful gardens dotting its landscape, Srinagar is the gateway to the paradise called Kashmir. But now it was time to explore the lanes and streets of downtown through a thoughtfully curated downtown legacy tour. This is an initiative to promote the art and culture of old Srinagar by offering the real flavor of Kashmiri culture with its traditional crafts, architecture, and old shrines and temples. Badshah Tomb is the final resting place of the mother of Sultan Zain-ul-Abidin, who ruled Kashmir in the 15th century. Situated on the banks of Jhelum, quite close to Zainakadal, Badshah Tomb is considered to be one of its kind in Kashmir. This multi-dome tomb is the only monument which is very unlike the typical wooden structure of the Shah Mir dynasty in Kashmir. So this is Badshah Tomb, Zain-ul-Abidin's mother ka tomb hai ye. उन्होंने मतलब इट इज़ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर इन इट्स ओन। आप अगर यहाँ पे जैसे खान का मौला को देखेंगे तो मोस्टली आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा कश्मीर में। सो द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यस यस। सो यहाँ पे श्राइन्स और मॉस्क ज़्यादा हैं, तो टूम भी एज सच नहीं है। सो इट्स एन इनिशिएटिव बाय आबिर अवान एनजीओ, जो जिसके दोनों को फाउंडर्स डाउनटाउन के ही हैं। तो उन लोगों ने सोचा था, सो दे आर इनटू कल्चर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आल्सो, सो दिस कम्स अंडर कल्चर। उनको मन था कि सब श्राइन्स कवर करने का एक्चुअली, बट देन वो लगा ऐसे, अच्छा नहीं हेरिटेज भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या क्या। तो हम लोगों ने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई ही कर दिया इसको, कि हमने कुछ श्राइन्स लिए हैं, कुछ मॉस्क लिए हैं, टूम लिया है, फिर कुछ टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा भी है, और हम एंड करते हैं हरी पर्वत फोर्ट। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर कश्मीर, कम से कम 15 दिन तो लेके आओ। मतलब बहुत स्लो ट्रैवल अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड आई थिंक आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, मेरे को भी ऐसे स्पॉट्स चाहिए, और इसी के थ्रू मैं फिर डाउनटाउन के अंदर एंटर करी और आई वॉज डम्बस्ट्रक कि यार ये क्या जगह है।
Next, we took a walk inside the tiny lanes and the buzzing local markets on the banks of Jhelum. Lined with shops selling Kashmiri products like woolen garments, copperware, silver jewelry, and common to exotic spices, everything here seemed local and authentic. ये इधर के ड्राइड फूड हैं तो मोस्टली इसको विंटर के लिए प्रिपेयर किया जाता है सो दिस इज आई विल शो यू दिस इज कॉल्ड अल घिया क्योंकि अल यखनी मेरे को पता है आई हैड दैट तो ये उसका होता है दिस इज ड्राइड ब्रिंजल बैंगन है फिर ये टमाटर है अब ये लास्ट वीक नहीं था जब मैं आई थी तो इसको अब इसके बाद अब इसको कैसे खाते कैसे खाने में कैसे डलता है इसकी सब्जी बनता है अच्छा टमाटर टमाटर के जैसे यूज होता है ना और ये क्या था पालक ये पालक है और ड्राई फ्रूट्स देखे हैं वो ड्राइड फूड्स ओवर यार दिस इज समथिंग न्यू यार दिस इज समथिंग न्यू एक्चुअली ड्राइड टोमेटो इज टेस्टी एक्चुअली श्रीनगर आया तो पहले भी हूँ बट यहाँ का ये साइड पहली बार देख रहा हूँ छोटी छोटी गलियों और पुरानी इमारतों से गुजरना मानो सही में वॉकिंग थ्रू द लेगेसी ऑफ डाउनटाउन। आर नेक्स्ट स्टॉप खानकाह मौला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन्स ऑफ कश्मीर Located on the banks of Jhelum, Khanqah Mola is also known as Shah-e-Hamadan and was established in the year 1395 by Sayyid Ali Hamadani. It was built to remember the Sufi saint Mir Sayyid Ali Hamadan who preached Islam in Kashmir. It is a heaven for architecture lovers as one can see an excellent example of woodwork inspired by Buddhist, Hindu and Islamic styles. The journey from Delhi to Kashmir, or rather KPMG to Kashmir, that can also be a title. From KPMG to Kashmir, how did that happen? Right after COVID, थोड़ा मेरे को break चाहिए था. मतलब mentally भी काफी ज़्यादा challenging थी चीज़ें आसपास, काम में भी, घर पे भी. तो मैंने sabbatical break लिया for a year और मैं थोड़ा ना remote areas में घूमी. Long stays के लिए मैं ज़्यादा गई. जैसे एक महीना गोवा में मैंने एक महीना रेंट करा प्रॉपर्टी वहाँ पे फिर मैं खाना वगैरह खुद बनाती थी फिर यहाँ पे कश्मीर में मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे बात हुई जिनका एनजीओ है अबे रवान तो फिर कश्मीर का ये दोस्तों ने मेरे को दिखाया प्रपोजल और तो काफ़ी अच्छा लगा मतलब इसके अंदर आर्ट कल्चर हेरिटेज एंड लिविंग इन श्रीनगर इंक्लूडेड था ओवरनाइट मैंने डिसीजन लिया आई डिड नॉट कंसल्ट विद माई फैमिली आई डिड नॉट कंसल्ट विद माई फ्रेंड्स मेरे को अंदर से मेरे को मतलब वो होता है ना दिल से ही आवाज आई कि दिस इज इट बट व्हाट डज डाउनटाउन लेगेसी टूर्स व्हाट डू दे स्टैंड फॉर व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑल अबाउट सो इट इज एन एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आबिर अवान उनके दोनों को फाउंडर है मतलब वो स्टार्ट ही हुआ कल्चर से ही फिर हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी आए वो लोग बट ये सेगमेंट कल्चर के अंदर ही आता है तो उन्हें मन था कि थोड़ा कम्युनिटी एंगेजमेंट होए यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस हो बिकॉज हम लोग लोकल आर्टिस्ट लोकल क्राफ्टमैन से डायरेक्ट टूरिस्ट को एंगेज कराते हैं वो एक पार्ट हुआ सेकंड पार्ट हुआ कि जब आप कश्मीर आते हो घूमने तो आप पहलगाम गुलमर्ग वही जो पैकेज जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टूरिज़म है कश्मीर का बट दिस इज़ लाइक अ
चेंज, थोड़ा सा एक हेरिटेज को इंट्रोड्यूस करना है इसमें. अब यूनेस्को ने लास्ट ईयर इसको हेरिटेज सिटी भी बोला है श्रीनगर को. इसी तरह यहाँ पे अगर आप श्रीनगर आ रहे हो, आपको रियल कल्चर, वो फ्लेवर चाहिए असली कश्मीर का, तो यू शुड गो टू डाउनटाउन. वहाँ पे आपको आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, फूड, स्ट्रीट फूड ऑफ कश्मीर, डू यू नो अबाउट इट, तो वो सब कुछ ही उधर मिलेगा. वेल, अब इसके बाद प्लान तो स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने का ही था, बट लाइफ हैड सम अदर प्लान्स ऑफ इट्स ओन. कुछ ही घंटों में श्रीनगर के फॉल कवर करते करते आई डायरेक्टली फेल इनटू द हॉस्पिटल बेड ऑफ कश्मीर. तो हुआ कुछ ऐसा कि आई डेवलप सम लोअर एब्डोमेन पेन, विच लेटर टर्नड आउट टू बी किडनी स्टोन्स. इन चेहरों की हंसी ये तो बता रही होगी कि मामला बहुत सीरियस तो नहीं हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, और इसी वजह से हमारे आगे के कुछ एपिसोड शूट ही नहीं हो पाए. But with this experience, I also learnt a life lesson. I realized that autumn is not just a season, but also an emotion. And quite like autumn, even in our life, the truth is that no matter how permanent things seem, the times will change and the colors will turn. That's my hope for Kashmir as well as my health. ये है हमारे नूर साहब, ये हमारे इरफान भाई, और ये अब आजकल काफी सेलिब्रिटी हो गए हैं. नून चाय. मैं समझ गया कि ये तो अनट्रैवल का फंड ट्रैवल हो गया.